हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अभी हम लोग इरेशनल नंबर्स 9th क्लास में जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, इसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर्स में वी हैव डेल्ट इन डिटेल अबाउट रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स भी अभी हम लोग ने काफी कुछ पढ़ लिया है। किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है, इसका भी तरीका अभी हम लोगों ने सीख लिया है। और कल अभी हम लोगों ने रूट एक्स कैसे ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है, उसका भी तरीका सीख लिया है। तो उसका तरीका क्या है, अभी हम एक क्विक रिवीजन ले लें। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल रूट ऑफ 9.5 अगर चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर ये 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका, ए को सेंटर लेकर मोर देन हाफ रेडियस लेकर अभी आप ऊपर और नीचे आर्क कट करेंगे, फिर उतनी ही रेडियस लेकर और इसको सेंटर लेकर इस तरफ आर्क कट करेंगे और इनको अगर मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा एंड दिस विल बी द सेंटर ओ, एंड विद ओ पॉइंट एज ओ एज द रेडियस, सॉरी ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस, वी विल बी ड्रॉइंग अ सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद ड्रॉ सेमी सर्कल। ये अभी हम लोग बहुत डिटेल में ले चुके हैं, इसका प्रूफ भी ले चुके हैं। अब इसमें वी नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट बी। बी पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये बी एम जो है, बी एम विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9.5। और इसका प्रूफ जो है वो भी अभी हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नाउ वी विल बी टेकिंग व्हाट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट, अब ये साथ में लिखते जाना क्योंकि अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर आप रूट टू लें तो ये रूट टू जो है इरेशनल है, और अगर आप माइनस रूट टू ले लें तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, नोट कर लेना। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बस हमेशा ध्यान में रखना तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसमें इरेशनल नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल रहेगा, है ना। तो इसके बेसिस पर अभी हम लोग कह सकते हैं रूट टू अगर इरेशनल है तो माइनस रूट टू विल ऑल्सो बी एन इरेशनल नंबर। अब इसके बाद द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। नोट कर लेना, ये इसका एग्जाम्पल दिए जा रहे,
बेटा वो देना वाई पर पासवर्ड यूज़ इसका एक एग्जांपल दे देते हैं अभी हम जैसे टू एक रैशनल नंबर है और रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें अब बेटा नेटवर्क इश्यूज है पता क्या है आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन माय पार्ट ये तो मतलब यू विल हैव टू बेयर दिस बिकॉज दिस ऑल डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एंड दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ ऑल ऑनलाइन क्लासेस है ना सो नथिंग कैन बी डन ऑन माय पार्ट आई चेंज आई स्विच द नेटवर्क टू सम अदर कंपनी लेट्स सी मे बी द पोजिशन इम्प्रूव्स फर्दर वेट एंड वॉच है ना अब इसमें अभी हम लोग बोले सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल अभी आप इसमें लिखते जाना 2 प्लस रूट फाइव टू एक रैशनल नंबर है रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा ये इरेशनल आएगा याद रखना चीजों को अब तो मान लीजिए अगर आपको नहीं रहती ये बात याद क्योंकि प्रॉपर्टीज या स्टेटमेंट के टर्म्स में देखकर डर लग जाता है अगर आपको 2 प्लस रूट फाइव लिखा है तो ये चीज अब आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है क्या इसका आंसर टर्मिनेट करेगा तो अभी हम लोग बोलेंगे ये तो एक रैशनल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नंबर है और इसका डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है इसलिए इसका आंसर जो एडिशन में आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग रहेगा इसलिए ये एक इरेशनल नंबर रहेगा और ये सम बोला है तो ये डिफरेंस के लिए भी अप्लाई होता है मान लीजिए 2 माइनस रूट फाइव ले लिया तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा तो जो चीज आपको काम की लगे वो नोट करते जाना सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं अब उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी में अगर आप प्रोडक्ट ले लें प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर कैसा आएगा मान लीजिए ये सुनने में तो समझ में नहीं आ रहा प्रोडक्ट लिखा मतलब मल्टीप्लिकेशन है रैशनल नंबर यानी टू इरेशनल नंबर यानी रूट फाइव हमेशा इसका मतलब यही नहीं होता रूट फाइव नहीं रूट टू ले लेना रूट थर्टी ले लेना आपको कुछ और चाहिए इसका आंसर कैसा आएगा भाई ये तो टू है इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा इसका मतलब यह है कि इसका जो आंसर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर आएगा सो प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नोट कर लेना जो भी चीज काम की लगे वो साथ में नोट करते जाना अब ये प्रोडक्ट के लिए बोला है इसमें क्वोशेंट भी बोल सकते हैं क्वोशेंट या डिवीजन मतलब 2 और रूट 5 को मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल नंबर आया भाई हमें अच्छा नहीं लगा 2 अपॉन रूट 5 कर लिया इसको करके देख लो या फिर रूट 5 अपॉन 2 करके देख लो तो इसमें अभी हम लोग बोलेंगे इसका आंसर भी इरेशनल आएगा तो अब इसमें क्या चीजें पता चल गई क्या प्रॉपर्टीज पता चल गई
इसमें ये पता चला कि रैशनल प्लस इरैशनल, शॉर्ट में लिखते रहे, ये आपको याद रखने में भी आसान रहेगा। रैशनल प्लस माइनस इरैशनल, इसका आंसर इरैशनल ही आएगा। ठीक है, हमने उतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखा, बहुत सिंपल टर्म्स में लिख दिया। क्या लिखा है? रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर या माइनस इरैशनल नंबर, आंसर इरैशनल ही आएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनना, इसका एक एग्जांपल साइड में 3 ± √2 लिख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट लिखी थी वो क्लियर नहीं है, हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी, ये भी क्लियर नहीं है, तो इतना तो लिख लो, इतना तो चलेगा कि भैया ये इरैशनल है। अब ये इरैशनल किस किस को जोड़कर मिला है, ये एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को। तो इस एग्जांपल से क्या पता चलता है, एडिंग अ रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर ऑलवेज गिव्स यू एन इरैशनल नंबर, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर रैशनल इंटू इरैशनल, रैशनल को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर इरैशनल ही आएगा। रैशनल को इरैशनल से डिवाइड करें या इरैशनल को रैशनल से डिवाइड करें, इन दोनों का जो आंसर है ये भी इरैशनल आएगा। आप बहुत शॉर्ट में अभी हमने लिखवा दिया, आप शॉर्ट में लिख लो। अब ये कितना आ जाएगा, 2 × √5। अभी नेटवर्क थोड़ा सा ठीक हुआ क्या बेटा, आर यू फीलिंग बेटर? चलो, अब इसमें अभी हमने बोला कि रैशनल इंटू इरैशनल जो है, रैशनल इंटू इरैशनल, इरैशनल आएगा। इसका एक एग्जांपल ये ले लो, या 2 / √3 ऐसा कुछ ले लो, या √3/2, ये इसके एग्जांपल हो गए, ये इसका एग्जांपल हो गया, और ये अभी हम लोगों ने इसका एग्जांपल ले लिया। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ, हम लोगों ने रैशनल नंबर्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बहुत सारी क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हम लोगों ने? पढ़ा था कि एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो भी रैशनल, दो रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, अगर दो रैशनल को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई दो नंबर्स ले लिए रैशनल नंबर्स में से और उनके ऊपर ये एडिशन लगा दिया, मतलब क्या किया, दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, तो आंसर जो आएगा वो भी रैशनल नंबर्स में ही आएगा। दिस इज टर्म्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब तो समझते नहीं, और एग्जांपल दें। नेचुरल नंबर्स तो मालूम है, सबसे इजी, ये तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर्स। इसमें एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को आप ऐड करो तो क्या होगा, नेचुरल नंबर आंसर में आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी इन नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। समझ आया? मल्टीप्लीकेशन, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो करता है नेचुरल नंबर्स में? इसका मतलब क्या है, दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, किसी को भी मल्टीप्लाई करो, जो मन में आया 2 or 3 ले लो, तो उनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है क्या वो नेचुरल नंबर है? तो हाँ, तभी हम लोग बोलते हैं एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स अभी हम इसलिए एग्जांपल में ले रहे हैं क्योंकि अभी इधर पर कुछ और हो जाएगा, कहानी चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। फिर सब्ट्रैक्शन, क्या ये करता है, कोई भी दो नंबर्स को, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को माइनस करो तो क्या नेचुरल नंबर आंसर में आता है? नहीं पता।
टू माइनस थ्री देखो तो आंसर कितना आ रहा है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी इन नेचुरल नंबर्स। अब कोई जना हमें ये मत बताना कि सर थ्री माइनस टू तो करता है। हम कह रहे हैं आप 100 केसेस बता पाओ या 100 एग्जांपल्स ऐसे बता पाओ, 1000 ऐसे एग्जांपल्स बता पाओ जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन केवल एक एग्जांपल आप ऐसा बता पाओ जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो रूल नहीं होगा। समझ आ गई बात? तो ये 3 माइनस टू मत दिखाना है, 10 माइनस थ्री भी मत दिखाना। कोई बोलेगा 17 माइनस टू, कहने के सब्ट्रैक्शन में दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर नेचुरल नंबर तो आ रहा है। तो भाई अभी हमने एक ही एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बता सकते हो जहां पर दो नेचुरल नंबर्स को माइनस करने पर आंसर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। रैशनल प्लस रैशनल रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करें, रैशनल नंबर्स का वैसे नोटेशन क्यू है लेकिन हम क्यू यूज नहीं कर रहे, तुम लोग कंफ्यूजन होगा, है ना। तो यहां पर अभी आप हमारी तरफ से लिख लेना कि आज अभी हम लोग आर किसको लिख रहे हैं, रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो भी रैशनल नंबर्स आता है, रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें तो भी रैशनल नंबर आंसर में आता है। अब इसमें सुनना, इरैशनल नंबर्स में क्या ऐसा होता है, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या इरेशनल ही आएगा आंसर। तो देखो ये दो कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। रूट टू कैसा है बेटा, आप तुरंत लिख दोगे इरेशनल। माइनस रूट टू कैसा है, आज की पहली प्रॉपर्टी हमारी पहली लाइन यही थी कि नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो रूट टू इज इरेशनल, माइनस रूट टू इज ऑल्सो इरेशनल। दोनों को ऐड कर लो आप, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे प्लस रूट टू एंड प्लस ऑफ माइनस रूट टू, ये देखो ये दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। तो जीरो कैसा नंबर है, जीरो इज इरेशनल नंबर, जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि भैया दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पर जरूरी नहीं है इरेशनल आंसर में आए। इसमें रूट टू प्लस रूट थ्री, इसमें तो इरेशनल आया लेकिन इस वाले एग्जांपल में आंसर रैशनल में आया, इस वाले एग्जांपल में भी आंसर रैशनल में आया। ठीक, तो एडिंग टू इरेशनल नंबर्स may result in an irrational number or it may not result in an irrational number। दो irrational numbers को आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसी लैंग्वेज में लिखना है वैसा लिख लेना कि भैया दो irrational numbers को ऐड करने पर जरूरी नहीं है आपको irrational number आए, रैशनल भी आ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल, एक या दो तीन दो एग्जाम्पल दे दिए और इसका इसको आपको अपना एग्जाम्पल बनाना है, लो भैया रूट सेवन लिख लो। लेकिन लेना पड़ेगा क्या, नेगेटिव लेना पड़ेगा, रूट सेवन प्लस माइनस रूट सेवन इसका आंसर जीरो आ जाएगा। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब सब्ट्रैक्शन, दो इरेशनल नंबर्स को माइनस करो, यही वाले नंबर्स अभी हम लिख देंगे। लो एक इरेशनल नंबर ये है, एक और इरेशनल नंबर ये है। यहां के इरेशनल नंबर हम लोग देखो क्या ले रहे थे, रूट टू और माइनस रूट टू ले रहे थे क्योंकि हमें ऐड करना था। अब यहां पर सब्ट्रैक्ट करना तो दो इरेशनल नंबर्स लेने को बोले, हमने दोनों रूट टू ले लिए, भैया दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो इसका आंसर जीरो है और जीरो जो है एक रैशनल नंबर है। तो इससे क्या पता चलता है कि इरेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर कैन गिव यू आइदर अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, या तो रैशनल नंबर आंसर में आ सकता है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इरेशनल नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमने दोनों लिख दिए यहां पर। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर
या तो रैशनल आंसर में आ सकता है या इरेशनल आंसर में आ सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में देखना बेटा, रूट 18 कैसा है, कैसा नंबर है बेटा? ये एक इरेशनल नंबर है, सॉल्व नहीं होगा। रूट 16 मत बता देना, रूट 16 ये जो है ये 4 होता है और 4 तो रूट 16 इज नॉट इरेशनल, वो रैशनल नंबर है क्योंकि इसका आंसर बता सकते हैं और टर्मिनेट करता है, मतलब 4 के आगे कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत सारे नंबर्स लिखते जाओ और वो खत्म नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो तो इरेशनल होता है, ये डेफिनेशन। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, ये बेटा इरेशनल नंबर है और रूट 2 ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट 18 इंटू रूट 2 कितना आएगा बेटा, बोलो जल्दी। दिस विल बी रूट ऑफ 36 और रूट ऑफ 36 यानी 6 आ जाएगा और ये 6 कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो इसमें क्या पता चला, दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर हो सकता है रैशनल आ जाए, तो ये रैशनल नंबर है। अब रूट 2 इंटू रूट 5, इसमें रूट 10 है तो ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो फिर से क्या बोला, इरेशनल नंबर में एक और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करो तो आंसर इसका फिर से या तो रैशनल आ सकता है या फिर इरेशनल आ सकता है। नोट कर लेना बेटा, दिक्कत तो नहीं आ रही, अगर दिक्कत आ रही यू कैन जस्ट मैसेज मी, हम जो भी जिस चीज में भी दिक्कत आ रही है हम रिपीट कर देंगे। डोंट हेजिटेट, यहां पर आए हैं तो आपको सब कुछ सीख कर जाना है और कहीं पर भी आप जाएं, आप सीखने के लिए अगर जा रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव इन योर प्रॉब्लम्स। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनी प्रॉब्लम देन यू फील फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ और एक्सप्रेस योर प्रॉब्लम। चलो अब हमें यह पता चल गया कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो जरूरी नहीं है इरेशनल आंसर में आए, इरेशनल भी आ सकता है रैशनल भी आ सकता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी सीख लिया, यही चीज डिवीजन में भी होती है। अगर आपको कोई एग्जांपल नहीं बने तो देखो, कहने लगे एक इरेशनल नंबर ये है, कहने लगे दूसरा इरेशनल नंबर ये है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करने पर आंसर कैसा आ गया, रैशनल आ गया। एक एग्जांपल ये है, रूट 18 अपॉन रूट 2 ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इसका आंसर रूट 9 आएगा, 18 और 2 डिवाइड होकर कितना आएगा, रूट 9, और रूट 9 कितना होता है बेटा, 3 होता है, तो ये भी रैशनल आ गया। और रूट 2 अपॉन रूट 3 तीसरा एग्जाम्पल, तो ये इरेशनल है। तो ये पता चल गया अभी हम लोगों को, फिर से एक और प्रॉपर्टी क्या, कि इरेशनल नंबर को एक और इरेशनल नंबर से डिवाइड करें, डिवाइड ये देखो कैसा लिखा होगा, तो इसका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इनके छोटी छोटी एग्जांपल्स अगर आपको नोट करना है तो यहां पर रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 इधर लिख सकते हो और इसके एग्जांपल में रूट 2 प्लस रूट 3, यहां पर इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 3, इसका जो आंसर आएगा 3 आएगा, रैशनल आ गया। इसके एग्जांपल में रूट 3 इंटू रूट 2, हाँ रूट 3 इंटू रूट 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, रूट 6, तो रूट 6 इरेशनल है। ऐसे इधर पर भी छोटे छोटे एग्जांपल्स, क्योंकि ये देखो अभी हमने क्या किया है, छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाकर दे दिए हैं आपको, पूरा जितना डिस्कशन करते जा रहे हैं उसको अभी हमने छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में अभी पॉइंट्स बनाकर दे दिए। अब देखो इसमें क्या बोलेंगे, रूट 5 अपॉन रूट 5,
एक एग्जांपल ये हो सकता है, या फिर ये ऐसा ले लो रूट 18 अपॉन रूट 2, इसका एक एग्जांपल ये, और रूट 2 अपॉन रूट 3 दूसरा एग्जांपल इरेशनल का। इसका आंसर 3 आ जाएगा और इसका आंसर इरेशनल आएगा। ठीक, अब चलो आगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इफ ए एंड बी, सपोज आपको ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट इंटरनेशनल नंबर्स, ये जरूर लिख लेना बेटा, और इसमें यह चीज याद रखना, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स, डिस्टिंक्ट का मतलब है क्या है, दोनों अलग अलग होने चाहिए और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन देम इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। मतलब अगर आपको ऐसा बोला जाए कि रूट टू और रूट थ्री के बीच में अगर आपको कोई इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करना है, तो इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर आप ऐसे बता सकते हो, आप ए को और बी को मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर एक स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, तो ये जो इरेशनल नंबर आएगा वो किस किस के बीच में आएगा, रूट टू और रूट थ्री के बीच। ठीक है, अब अभी हम लोग एक काम करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज बहुत सारी डिस्कस कर ली, अब तुम लोग देख के इनको डर भी लग रहा होगा, तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा, है ना। अब इनका जो इनके जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा इजी है। जैसे 3+√2 एक इरेशनल नंबर है और एक 3-√2 एक इरेशनल नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला प्रॉब्लम लिख लो बेटा, √3 × √2 × √3-√2, तो इसमें अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए या फिर a+b × a-b लगा दो। हम लोगों को मालूम है बेटा a+b × a-b क्या होता है, a+b × a-b इज व्हाट, a²-b²। मतलब इसका क्या है, इसको अभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3² − √2² और ये कितना आ जाएगा, 9 − √2² √2² यानी √2 × √2 √2 × √2 मतलब कितना आ जाएगा, √4 और √4 यानी ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर ये वाला आंसर में आ जाए, तो 9 − 2 यानी 7 आ जाएगा। ठीक, सिंपल है। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो भी सॉल्व किया जा सकता है, 3+√2 सॉल्व करो बेटा इसको, दो तीन दिन से हमारे बोलने का ज्यादा था, जितने भी आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, चलो करो सॉल्व।
ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा, -3√2 आ जाएगा, +3√2 आ जाएगा, -√2 × √2 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इस 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर √2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 9 − 2 यानी कि कितना, 7। दिस विल बी द आंसर। एक प्रॉब्लम और ले लो, कर लो इसको जल्दी से। ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना आ जाएगा, a स्क्वायर ये b है और ये a है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना आ जाएगा, a² − b² यानी कि 5 − 2, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। अब एक लास्ट प्रॉब्लम और ले रहे हैं आज का, √5 + √2² इसमें आइडेंटिटीज अभी आप बिल्कुल वैसे ही लगा सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने पहले लगाई थी, a + b² तो ये कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर ये कितना आता है, a² + 2ab + b² ऐसा कुछ आएगा, a² + 2 × a × b + b² तो ये कितना आ जाएगा, 5। √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और √5 × √2 कितना आ जाएगा, √10 आएगा, और ये कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये 5 + 2 कितना आएगा, 7, 7 + 2 √10। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विद the same topic on the next turn. We'll be doing some more problems on the next turn. That's all.